हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल आज आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है आपका कंप्यूटर और लैपटॉप से लेके। अगर आप भी एक यूट्यूबर है या एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप कौन सा ऐप्स प्रयोग करें, कौन सा, ठीक है, ये आपको हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं भी पहले दोस्तों एक स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता था, लेकिन उसमें क्या होता था दोस्तों, उसका थंबल जो है वो बीच स्क्रीन पर ही आ जाता था, तो वीडियो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। आप हमारे जो पिछला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपका दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने एक दोस्त की मदद ली और उनसे एक ये ऐप्स के विषय में पता किया कि स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा अच्छा है, भाई बता मेरे को, तो उसने बताया। ठीक है, तो आज हम आपको भी बताते हैं, और ताकि आप अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकें अपने पीसी के कोई भी वीडियो ऑडियो, या फिर अगर आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आसानी से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, बताते हैं वो कौन सा ऐप से आप आसानी से स्क्रीन में को रिकॉर्ड करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल में। ठीक है, तो आप कोई सा ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर ब्राउज़र में जाना है गूगल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है OBS। ठीक है, OBS मस्त ऐप सही है दोस्तों, प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ना इसमें थंबल आता है, ना कुछ और आता है, और स्क्रीन रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा दोस्तों, इसमें आप लाइव बात भी कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए OBS स्टूडियो, ठीक है, डाउनलोड फर्स्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों आ चुका, फर्स्ट में आया डाउनलोड OBS स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, अगर आपका एप्पल है या विंडोज यूज करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूज करते हैं तो विंडोज़ में आना है आपको। ठीक है, अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल में आना है। ठीक है दोस्तों, विंडोज़ यूज करते हैं तो विंडोज़ में आना है आपको। यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 32 बिट 64 बिट। ठीक है, आप जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कौन सा यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये हम आपको दोबारा डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डाउनलोड कर रखा हुआ है OBS स्टूडियो। हम इसी ऐप्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसी से हम स्क्रीन रिकॉर्ड भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर चाहें तो इस ऐप्स को डाउनलोड करके अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमने अभी स्क्रीन आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ओपन होगा आपका ये ऐप्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप प्लस का आइकन देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन में आपको आना है। ठीक है, प्लस का आइकन में आने के बाद आपको अगर जो जिस टाइप का आपको यहाँ चाहिए उस टाइप का यूज कर, जैसे आपको डिस्प्ले कैप्चर करना है तो डिस्प्ले कैप्चर में जैसे कीजिएगा तो वहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हमें ये क्या बोलते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर करना है तो इसमें आप सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ कैप्चर करना है तो विंडोज़ कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ कीजिएगा देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऐप्स को ओपन कीजिएगा फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे खाली रहेगा दोस्तों। ठीक है, ब्लैंक रहेगा, तो आपको प्लस में आके ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप जैसे मांग चलिए हमने अभी जो कर रहे हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये आपका जो डिस्प्ले कैप्चर है उससे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी उसे करना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइड में आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी मैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट लिए स्टॉप दे रहा है। ठीक है, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं मेरा रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है दोस्तों, और जब रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें आप पुनः यहाँ पर आइएगा और स्टॉप रिकॉर्ड में क्लिक कर दीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे ऐसे हमें स्टॉप करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत पूर्ण बहुत अच्छा ट्रिक है ये, और बहुत अच्छा ऐप्स भी है, आप इसे यूज कीजिए और अपने पीसी स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम नया नया ट्रिक लाते रहते हैं, हमारे वीडियो को आप देखिए, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। ठीक है।